चलिए चलो 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 हटो अपने ये वो दो नंबर बनवा दो नीचे नीचे रह जाओ खराब कर दो खराब है ये मिट्टी नहीं कोई काटेगा ये बंद कर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव नीचे वाला बराबर हो जाएगा ऊपर वाला की बराबरी है इसमें कुछ नहीं कर इसको ऊपर डालोगे तो सब नीचे नीचे उसको खराब है ये भी खराब हो जाए अभी ये जमी मिट्टी है मजबूत मिट्टी इसको कोई नहीं काटेगा बड़ा सोच समझ के काम किया सेवा मतलब ये थोड़ी जाने को वहां कटने ये कोशिश अपना नुकसान देखो ये बनी बनाई जगह है इसको काट डालोगे ये भी नीचा वो भी नीचा दोनों खराब हो जाएंगे एकदम गड्ढे हो जाएंगे वो तो नीचा है उसको नीचे प्लेन कर नीचा बने रहेगा उसमें पेड़ पौधे लगे और लगा दिए जाए और ये तुम्हारी खेती करने का भी चौरस इसको तुम काट डालोगे तो सब बेकार वो तो बेकार रही ये भी बेकार हो जाए इसलिए इस मिट्टी को कोई नहीं छुएगा उधर जो नीचा है उसी को बराबर करो तो ऊंचा वाले उसको बराबर करो बच्चे के लेके हैं जय हल्ला करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव सेवा का मतलब है जिससे कोई काम खराब न हो और जो खराब हो चलो और बना बिगाड़ दोगे वो तो बिगड़ा ही ये भी बना दोगे वो भी गड्ढा कर दोगे ये भी तो फिर मतलब क्या ये इतनी मजबूत मिट्टी है इसको काटने की जरूरत नहीं है इसको ऐसा रहने दो और नीचे वो इसको बराबर नीचे वाला नीचा बना रहेगा और ऊंचा ऊंचा रहेगा भविष्य में कभी जमीन मिली तो ये सब खराब तो बराबर ध्यान में रखो सेवा का मतलब है कि अपना काम खराब अपने काम को ठीक से जय गुरुदेव जय गुरुदेव ऐसे ऐसा कभी कभी सबका हटाने तो भीड़ रहा सामने कोई देख ही नहीं रहा सेवा सेवा का मतलब बिगड़ा काम बनाना खराब बिगड़ को ले तो सेवा का महत्व ऐसे अगर बिगड़ते रहोगे तो फिर क्या बना रवियों से वो सेवा लो जिससे उनको लाभ मिले और जगह आपकी बराबर ठीक हो जाए ये तो वैसे कल ही मैंने कहा था ये लेविन इसको मत छूना इसको ऐसा रहने दो जो नीचे वाला गड्ढे उसको बराबर और उसमें पेड़ पहले से लगे बाद और जो जहां जगह खाली वहां पे लगा दिए जाए जगह
तो बगैर संगत करोगे तो सेवा का कोई लाभ और नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब जो लोग कर रहे हैं या जो ठग गए हैं और आराम कर लो, बाकी लोगों को पूरी पूरी व्यवस्था में तो थोड़े काम में सबको मौका मिल जाएगा। पूरी पूरी देर आराम से करो तो कोई थकेगा नहीं, सेवा सबको मिल जाएगी। ये समझो पूरी सबको सेवा तुमको सेवा का लाभ सबको मिलेगा। ये तो तरह तरह की सेवा इस तरह तुमको लगाया जाएगा, कैसे तुम्हारा काम बनेगा, कैसे तुम्हारी कमियां निकलेंगी, ऐसे सेवा के बारे में। सेवा कोई छोटी बड़ी कोई खराब अच्छी नहीं होगी, सेवा तो सेवा ही है। सेवा से खराबी दूर बढ़ती है दूर होती है। सेवा को बड़े दोस्त के लिए जाते हैं सुधार से निकलने का प्रयास नहीं और नित नई गंदगी में फंसने का प्रयास, ऐसे जीव कभी सुधर इतना भी कोई कुछ करे नहीं आता। सुधारों के लिए जो कुछ हो गया वो भी तुम्हारा ठीक हो जाए और आगे का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन गंदे नहीं फैलाते, जिनके गंदे विचार गलती सोच है वो गंदगी सेवा को चरण नहीं करते। लेकिन आप सोने से बचे ये स्वयं खराब है तुमको खराब कर दे। तो जो सेवा ये मिली है ये परमात्मा की सेवा, स्वास्थ्य सेवा तो आपने खुद की है, घर में बाल बच्चे में देश में समाज की है। लेकिन आपने अपनी जीवात्मा की कोई सेवा नहीं, इसका कैसे सुधार, ये कैसे कर्मों के जाल से निकले। तुम तो नित्य फंसने वाले काम करते हो, निकलने का कोई काम तुम्हारे शरीर में नहीं आता, इसलिए ऐसे शुरू करें कैसे प्रयास को सत्य नहीं किया गया। सुधार सबका हो कल्याण सबका हो ऐसी शुद्ध भावना रखकर काम किया जाता। तो सेवा का मौका मिला है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि सेवा हर हमेश वैसे आप चले जाओ हिन्दुस्तान में पहले ये परमात्मा की सेवा कोई नहीं होती और ये साधना से भी कहीं दूर बड़े सोच समझ कर जीव को लाभ देने के लिए ये कार्यक्रम रखा कि आपको शरीर के साथ साथ अपनी जीवन को भी कल्याण के लिए भी कोई सेवा होनी चाहिए। आपने बहुत सेवा की, दुकान बनाया, मकान बनाया, जमीन खरीदे, बाल बच्चे बनाया, तो सब नहीं लेकिन आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कर्म जिसके कर्म के लिए शरीर मिला उसको कर्म करते नहीं हुआ,
जब समय बदलेगा तो तुम कैसे बदलोगे? अब तुम समझा बैठे बदलो या कुदरत की मार खा के बदलना तो धीरे धीरे सत्संगों में आना शुरू करोगे, बच्चों को सुने लगोगे और एक एक वचन अपने जीवन में उतारने लगो तो धीरे धीरे अच्छे ऐसा नहीं है। अच्छे बनने के लिए अच्छाई की तरफ बढ़ो और बुराई को धीरे धीरे छोड़ो, धीरे चले जाओ। और तुम अच्छाई को पकड़ना नहीं चाहते, अच्छाई को देखना चाहते, अच्छाई को समझना चाहते तो बुराई से निकली नहीं हो तो ठीक है। ऐसे मानव जीवन व्यर्थ में चला जाता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि करने की बात कभी सोचते ही नहीं। सोचते हो तो बुरा, देखते हो तो बुरा, तो अच्छा कैसे सवाल है। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवन को अच्छा सच्चा बनाने समय से सत्य का जब करोगे तो बदली तुम्हारे दिल दिमाग से तुम सत्य का साथ करते रहो, इसीलिए गंदगी से डर नहीं होता। सत्संग का मतलब है कि हम धूप से हट करके सत्य की तरफ बढ़े और सत्य का संग करें। जब सत्य का संग करोगे तो बुराई बुराई ये सब एक किनारे हो जाए और आपका चरण तो हर चीज तुम्हारे अंदर ठहरने लगे। श्री क्षमा संतोष बिना विवेक ये सब तुम्हारे अंदर प्रवेश करने लगे और काम क्रोध मोह अहंकार धीरे धीरे हटने लगे। जो इनसे अलग है, जिसने इनको जीत लिया उसके लिए कुछ खराब है सब दूसरे को अच्छा होना पाएगा। अगर खुद बुराई में फंसा रहेगा तो अच्छा कैसे न बनेगा न बना पाएगा। ये सब चीजें सत्संग के बिना मिलती है और सत्संग धीरे धीरे करते रहोगे और उसको अपने जीवन में उतारते रहोगे तो आपका जीवन सत्संग में फिर इधर उधर कहीं खोजने ढूंढने की आवश्यकता सब तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगा। तुम सब कुछ जानने लगोगे, आगे से आगे विचारने लगो, सोचने लगो। ऐसे लोगों ने पाया तो आपको भी अवसर मिला, आप भी अच्छे बन जाओ। अच्छे बनने का प्रयास करो, खराब बन के तो देख लिया क्या मिला, रात दिन रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दुखी हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। दुख का कारण है तुम्हारी न समझ, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारे रोने का कारण है तुम्हारे मन की कमी, तुम्हारे शंका संदेह भूल भ्रम, ये रोने का कारण। इनको धीरे धीरे समझदारी के साथ निकालने का प्रयास करो, जब निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हो फिर भी कुछ नहीं सुना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दो
कर दो हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति मिलेंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं सा। ये काम है प्रभु का। जो आप सेवा कर रहे हो वो हम इंसानों की बस की बात नहीं। अरे तुम तो रात में करते हो, दिन में नहीं। सेवा तो खत्म हो चुकी, सेवा का भाव समाप्त हो। सेवा कराने की इच्छा है, करने की इच्छा, इसीलिए तो सेवा खत्म। जब लोग ये देखते हैं आपको सेवा करते हैं, दिन में तो करने की रात में जब देखते तो बड़ा आश्चर्य होता है। कैसे लोग हैं ये, कैसे कर रहे हैं ये, किसके आदेश का पालन कर रहे हैं, तो पता चला गुरु भक्ति के आगे सारी भक्ति भी की। जितने गुरुभक्ति कर ली उतने सब कुछ कर लिया, उसके लिए कोई चीज असंभव। गुरुभक्ति का फल ही कि कोई चीज असंभव नहीं है। जो सोच लेगा शुभ अच्छा तो कर लेगा उसको, और यही होना चाहिए। भक्ति सेवा कर रहे हो आदेश पालो, ये गुरु भक्ति है। तो गुरु भक्ति के पीछे सब इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए गुरु भक्त सर्वोपरि माना जाता है। वैसे आप गुरु भक्तों की ही पूजा और किसी राम गुरु भक्त अपने गुरु से गुरु विश्वास के एक पालन करते, उनके काम में उनके आदेश में जिसने किसी तरह की कोई शंका नहीं, वो तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और जो शंका में वो भी कभी सुधर नहीं सकता। शंका ऐसी डायन है जो कभी सुधर नहीं, और इसी से हमें भगवान कृष्ण की पूजा इसलिए कि उन्होंने अपने गुरु संदीपन जी के आदेश को भली भांति सर्व जो उनका आदेश हुआ उसी का उन्होंने आदेश किया कि तुमने ये आपकी नियुक्त किया, अब उनके आदेश का पालन किया। आदमी पूजा हो रही आपकी नियुक्ति के मतलब इतना संयम पकड़ा कि उसे कोई हिला नहीं सकता। अब उन्होंने 16,100 गुप्तों के साथ रहकर दिखा दिया कि गुरु के आदेश से कितना बड़ा संयम हो जाता जिसे कोई फेल नहीं कर सकता। कितने लोग मिल जाए लेकिन उसे बल्कि उनका भी भला हो जाता। वैसे थोड़ी 16,108 उनमें संयम था, क्या था उनको संतुष्टि करने की शक्ति ताकि तभी तो ऐसे कौन किसी पर विश्वास करेगा, कौन किसी के साथ ये सब विश्वसनीय। विश्वास किया तो सारी आस पूरी हो जाएगी। विश्वास पर तो सारी सृष्टि निर्भर है और आपके साथ विश्वास तुमको विश्वास है।
तो तुमको कभी भला नहीं हो सकता। तुम कभी भलाई की तरफ जा नहीं सकते। जब अपनों पर विश्वास नहीं, अपने से विश्वास नहीं, अपना करने वाले उनसे विश्वास नहीं, तो फिर किन पर विश्वास करें? इसलिए बिगाड़ का कारण है अविश्वास, आशंका। ये विनाश के कारण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो आपने अब धीरे धीरे रात्रि परमा की सम्मान सेवा का समय आपका पूरा होता जा रहा। घटना भक्ति रहेगा इसको सब लोग लग जल्दी से पूरा करो। बस मैं आपको प्रसाद दे दूंगा, भोजन प्रसाद जितने लोग बैठे हैं जो कर रहे हैं उनको थोड़ा आराम दे। तुम करो ज्यादा समय नहीं, केवल एक डेढ़ घंटे आपको सेवा कर लो, उसका फल ले लो। अगर बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा? बैठे की कोई मजदूरी नहीं होता। इस बात को कुछ न कुछ सेवा जो तुम्हारे लायक हो, अगर स्वस्थ हो तो बैठ कर देखो वही सेवा कैसे हो। ये भी देखो कोई बिगाड़ तो नहीं हो, कुछ नहीं तो तारा तुम्हें घूम के देख लिया, कोई सामान तो नहीं पड़ा, इतना तो कर ही सकते। चलो कोई सेवा नहीं आप कर पा रहे हो, अस्वस्थ हो तो चारों तरफ घूम के देखो, कोई सामान तो नहीं पड़ा, उसे उठा के एक ये तो सेवा कर ही सकते। तो सेवा के लिए कोई बहाना नहीं, और जिनको नहीं करना हो तो लाख बहाने। ऐसे भी बेचारे हमेशा परेशान, क्योंकि जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो सेवा का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। लाभ तो सेवा का, अब वो कैसे लाभ देंगे, कैसे तुम्हें लाभ के नजदीक ले जाएंगे, ये तो उनका कर्तव्य है। तुम उस कर्तव्य को तो कभी अपने आप को ठीक खेल नहीं, हमेशा खराब की तरफ, हमेशा संकल्प की तरफ, संदेह शिक्षा बनकर जीवन में बात कर रहे हो, और अभी हौसले इससे अपना खुद का करो। जय गुरुदेव। कोई लाभ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं तो जाओ चारों तरफ घूम के आओ, देखो कितनी सेवा होगी। जो सेवा हुई सेवा को देखो वही सेवा, और कोई सामान इधर उधर पड़ा सब सेवा भी तो जरूरी है, एक तरफ की नहीं हजारों किस्म सेवा। और बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जय गुरुदेव।